सोदिया के शराब कांड और सीबीआई जांच को लेकर कांग्रेस भी अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो रही है। भाजपा को लगातार एक कंपनी चंदा देती है, इस कंपनी का नाम मैं पढ़ रहा हूं, ये कंपनी है सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, सोम डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड, ये सोम ग्रुप की कंपनी है, इसको चंदा दिया जाता है एक बार 1 करोड़ रुपए का 25-8 को, फिर 30-10-2020 को फिर 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, फिर 21-12-2020 को फिर 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, और इस तरह से इस कंपनी के द्वारा भाजपा को एक मोटी रकम चंदे के रूप में दी जाती है। और ये जो सोम ग्रुप है ये मध्य प्रदेश का ब्लैक लिस्टेड ग्रुप है। इस ग्रुप की जो कंपनी है सोम ग्रुप मध्य प्रदेश की, जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो मैंने आपको कहा, इसी सोम ग्रुप की सेल कंपनी रायसन लिमिटेड कंपनी, रायसन एक मध्य प्रदेश का जिला है जिसके नाम पर यह कंपनी रजिस्टर्ड है, और इन दोनों कंपनियों का एड्रेस एक ही है। तो इसको जॉन 13 में काम दिया गया, जॉन 13 के अंदर कम से कम 20-25 दुकानें दी गई, और भाजपा अपने इलेक्शन कमीशन में डोनेशन की जानकारी में खुद खुलासा कर रही है इस बात की। लेकिन अफसोस यह होता है कि सीबीआई की एफआईआर की कॉपी में इसका नाम नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? यह तो एक ऐसा उदाहरण है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि भाजपा को क्या जो डोनेशन थी, क्या चुप रहने की डोनेशन थी, क्या शराब माफियाओं के साथ मिलकर के इस शहर को बेचने की साजिश में भाजपा के नेता भी सम्मिलित थे, क्या यह केवल और केवल जो व्हाइट का जो हमने आज आपके सामने ट्रांजेक्शन रखा है, क्या इसके अलावा भी और कुछ लेन देन हुआ है, क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या ये इसकी भी जांच करेगी, या केवल कांग्रेस के नेताओं को ईडी के संबंध जाते रहेंगे? तो आज सवाल यह उठता है, सोम ग्रुप ने बीजेपी को कितना पैसा दिया, कितना डोनेशन दिया? भाजपा के सूरवीर जो नेता 2 दिन से उतरे हुए हैं, ये क्या इस बात पर कुछ बोलेंगे, जवाब देंगे? ये मेरा आपसे कहना है। सीबीआई की जो एफआईआर है जिसमें अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा, अर्जुन पांडे का नाम मनीष सिसोदिया के नजदीकी बताया गया, इसमें 1 करोड़ रुपए समीर महेंद्रू दिनेश अरोड़ा के खाते में ट्रांसफर करते हैं, 1 करोड़ रुपए समीर महेंद्रू दिनेश अरोड़ा के। ये दिनेश अरोड़ा के कई फोटोग्राफ और जो रिश्ते हैं मैं समझता हूं आज आपके सामने है, पूरे पब्लिक डोमेन में है, उनके रिश्ते पूरे जगजाहिर हो चुके हैं, और समीर महेंद्रू अर्जुन पांडे को 2-4 करोड़ रुपए भी देते हैं, ये बात भी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। तो अब ये जो पहला पार्ट हमने रखा कार्टेल का, जो दूसरा पार्ट रखा, इसमें पूरी तरह से ये सिद्ध हो जाता है कि शहर को पूरी तरह से शराब माफिया को बेचने का काम मनीष सिसोदिया ने किया है। और मैंने ये पहले ही कहा था कि आम आदमी पार्टी पंजाब गई थी पंजाब को नशा मुक्त करने के लिए, लेकिन ये पंजाब को तो नशा मुक्त नहीं कर पाए, इन्होंने दिल्ली को, इस शहर को, इस राजधानी को नशे की राजधानी बना दिया। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि इस शहर का, इस दिल्ली का शराब मंत्री यदि कोई है तो मजीठिया दिल्ली का कोई है तो मनीष सिसोदिया ही मजीठिया है। जिस पंजाब में मजीठिया को शराब माफिया कहा जाता था वो दिल्ली का वित्त मंत्री, शराब मंत्री मनीष सिसोदिया है। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। यह प्राथमिकता है सरकार की। इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि 25 साल से, उस वक्त जब कोरोना से यह शहर जूझ रहा था और त्राही माम मचा हुआ था, विफलता केजरीवाल जी की भी है उतनी ही विफलता मोदी जी की भी है, उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी, 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, यह काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। तो इस पार्टी के जनमत पर तो संदेह था ही, इसकी राजनीति पर संदेह है, इनके सिद्धांतों पर संदेह है। और हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि जिस एजेंसी का दुरुपयोग का यह हवाला दे रहे हैं यह सच है, एजेंसियों का दुरुपयोग तो भाजपा की मोदी सरकार ने इस तरह किया है कि जब वो सही कार्रवाई भी करते हैं तो वो भी, उस पर भी सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम, इसमें जरा सी भी भ्रांति ना हो,
भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली के उनके साथ सांसदों ने नहीं किया, उनके सदन के नेता ने नहीं किया, 8 MLA ने नहीं किया। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी।